वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल बॉडी। स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आज के वीडियो में हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे एंड परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर बात करेंगे। यानी आज इस तीन पॉइंट पर डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो इसमें दिया कि कंसाइडर ए रिजिड बॉडी ऑफ द रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जैसा कि इसमें फिगर दिखा हुआ है कि रेगुलर से बॉडी है। अब इसमें क्या है, ये तो टर्निंग व्यू दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी है। अब फर्स्ट पार्टिकल मास एम वन है, सेकेंड पार्टिकल मास क्या है एम टू है, थर्ड पार्टिकल मास क्या है एम थ्री है। विच रिस्पेक्टिव डिस्टेंस आर गिवेन आर वन आर टू एंड आर थ्री, और मान लो एन पार्टिकल था तो उसको हम सपोज करते जाएंगे एम फोर। तो अब इसके में दिया है क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया में रिलेशन निकालना है। यानी हमें एल और आई में रिलेशन निकालना है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है और इनर्शिया का सिंबल क्या होता है आई होता है। तो आज हमें एल और आई में रिलेशन देना है। तो चूंकि अब यहाँ पे मासेस दिया हुआ है, मास ऑफ सिस्टम हमने एम वन एम टू एम थ्री डॉट डॉट सपोज किया, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हमने आर वन आर टू ये भी सपोज किया। अब ये मान लेते हैं कि इफ इट्स लीनियर वेलोसिटी इफ लीनियर वेलोसिटी आर वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन है, तो पहले हम इसका निकालते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम पी वन इक्वल टू एम वन वी वन। तो अगर पी वन इक्वल टू एम वन वी वन है तो इसको लिख सकते हैं एम वन और वी वन की वैल्यू जाएगा आर वन इंटू ओमेगा। तो अब क्योंकि जब लीनियर निकल गया तो अब निकालते हैं इसका हम एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू पी इंटू आर होता है तो हो जाएगा एल वन इक्वल टू पी वन आर वन। तो पी वन की वैल्यू क्या आ गया एम वन आर वन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई आर वन तो हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर इंटू ओमेगा। इस तरह से एन पार्टिकल सिस्टम में हमने एक पार्टिकल का निकाला क्या एंगुलर मोमेंटम। तो जब हमने एक निकाल दिया तो अब लिखेंगे ऐसे ही एज सिमिलर एज सिमिलर एल टू इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर इंटू ओमेगा एल थ्री इक्वल टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अब ऐसे क्रम निकालेंगे, तो अब यहाँ निकालेंगे इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी तो जब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम L इक्वल टू L1 प्लस तो L इक्वल टू हो गया एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हो गया एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसमें हमने कॉमन लिया। तो अब यहाँ पे चूँकि ये क्या हो गया, अब ये हो गया एम वन आर वन, तो इसको हम ग्रैंड सिग्मा देते हैं। तो I इक्वल टू वन I इक्वल टू एन पार्टिकल तो हो जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। आप ये हो गया एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो ये कह रहा है कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है।
इसको हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद हम लोगों का जो पॉइंट आता है, ये दो थियरम है हम लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है यह, इस पूरे लेसन में इसकी ज़रूरत है। जब हम किसी सॉलिड फिगर का इनर्शिया निकालना होगा तो इस थियरम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब इस वीडियो में ये लास्ट हम लोगों का टर्म चल रहा है इसका, थियरम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कि व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज द नोन, वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस यूजिंग द फॉलोइंग द टू थियरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी करें कि दो थियरम में पहला होता है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा होता है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहले हम पैरेलल एक्सिस थियरम की बात कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थियरम। तो पैरेलल एक्सिस थियरम में देखो क्या है, एक रिजिड बॉडी दिया हुआ है जैसा कि फिगर में दिख रहा है, वहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास लगा हुआ है सी, और दूसरा है ओरिजिनिंग प्लेस जहाँ पे ये बॉडी क्या कर रहा है, पूरी तरह से रोटेट कर रहा है। अब कह रहा है कि जो रोटेशनल बॉडी है, यहाँ से इसकी हाइट यानी डिस्टेंस जो है h है, और यहाँ से जो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे एम आई डिफाइन किया गया वह क्या है, आर आई के इक्वल है। तो ऐसे केस में प्रूफ क्या करना है, तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस यानी किसी भी एक्सिस पर, ए बी ये जो लाइन अक्रॉस किया हुआ है ए बी और दूसरा लाइन हमारा क्या है के और एल, दो लाइन दिया है। तो ए बी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी अबाउट द अनदर एक्सिस के एल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास सी ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ए बी प्लस। तो ये कह रहा है कि जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस है इस पर अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे, यानी के एल के भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे और ए बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो कह रहा है कि ए बी का जो हमारा जो टोटल रिजल्ट आएगा वह मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप के एल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर ऑफ मास टू आर आई यानी एम आई आर आई स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस ए बी एंड के एल, तो हमें प्रूफ ये करना है कि आई ए बी यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया के एल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द होल सिस्टम यानी एम आई आर आई स्क्वायर पर। तो अब इसको हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में आप लिखा हुआ है कि सपोज द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ द एन पार्टिकल ऑफ द मासेस। अब कह रहे पार्टिकल, तो प्रूफ पे आते हैं, तो इसमें कह रहा है क्या, सपोज एन पार्टिकल ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम में एन पार्टिकल्स हैं विच मासेस एम वन एम टू एम थ्री डॉट डॉट एम एन तक है। तो ऐसे केज में अब विथ रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री सो। तो ऐसे केज में अब हम निकालते हैं इफ आर आई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकल ऑफ मास एम आई। तो ऐसे केज में जब आर आई हो गया तो अब यहां पर लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्सिया विथ रिस्पेक्ट टू के एल, यानी के एल एन के सर्कल निकालते हैं तो हो जाएगा आई के एल इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन आई इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके छोड़ दे रहे हैं। अब जब हम अब निकालते हैं, अब लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए बी टू के एल इज एच, यानी फिगर में ए बी और के एल के बीच का दूरी क्या है, एच दिया हुआ है। तो अब ऐसे केस में निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, तो अब हो जाएगा आई ए बी इक्वल टू, तो आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर प्लस एम आई और ब्रैकेट में अभी हो जाएगा आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि अब सिस्टम ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर आई ए और एच ए है, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो जब प्लस करेंगे तब इसको ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा आई ए बी इक्वल टू सिग्मा एम आई इन ब्रैकेट हो जाएगा आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर आई इंटू एच। अब इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, जब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई ए बी इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर प्लस दूसरा रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा एम आई एच स्क्वायर प्लस तीसरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं टू को बाहर कर दे रहा हूँ, टू एच को बाहर कर दे रहा हूँ तो हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे लाइन शॉर्ट कर दिया हूँ तो टू और एच बाहर कर दिया हो जाएगा एम आई आर आई, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब लिखते हैं एज द बॉडी, एज द बॉडी इज इन बैलेंस फॉर्म, तो अगर यह बैलेंस फॉर्म है तो अब इसमें हो जाएगा एलजेब्रिक सम ऑफ, तो हो जाएगा एलजेब्रिक सम ऑफ इनर्शिया इज जीरो, तो ऐसे केज में सम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी इस केज में थोड़ा सा अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल लेना चाह रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है एम आई आर आई इंटू जी इक्वल टू जीरो, वेयर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें हम जीरो क्या करेंगे रेडियस को ही जीरो कर सकते हैं, जब हम रेडियस को जीरो करेंगे तो इस केज में रिजल्ट क्या आ जाएगा आई ए बी इक्वल टू तो हो जाएगा आई, अब लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो आई ए बी इक्वल टू ध्यान देना, तो अब चूंकि इसमें यह रिजल्ट क्या है के एल का है किसके पर हम सकते हैं के एल दिख जाएगा आई के एल प्लस सिग्मा, सिग्मा ना लिख करके क्या सकते हैं एम आई एम आई एच स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आई के एल प्लस एम एच स्क्वायर, तो यही हमारा प्रूफिंग था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके एक सेंटर ऑफ मास और एक रोटेशन रोटेशन पॉइंट से, तो सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन के इनर्शिया का जो सम होता है वह पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डिफाइन होता है।
अब इसके बाद आएगा हम लोगों का क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जैसा कि फिगर में दिख रहा है, मान लो अगर हम बॉडी को अगर एक्स टू वाई रोटेट करा रहे हैं तो रिजल्ट जो है जेड पे जाएगा, अगर वाई टू जेड पर रोटेट करेंगे तो रिजल्ट एक्स पे जाएगा, और जेड टू अगर एक्स पे रोटेट कराएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वाई पे आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम जिस दो एक्सिस को इंक्लूड करेंगे इस थ्योरम में प्रूव करने के लिए तो रिजल्ट उस एक्सिस पे जाएगा हु इज द फ्री। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई को इंक्लूड किया है तो रिजल्ट हमारा किस पे आएगा, जेड पे आएगा। तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, आई जेड एंड इनर्सी ऑफ जेड एक्सिस बी इक्वल टू इनर्सी ऑफ एक्स एक्सिस प्लस इनर्सी ऑफ वाई एक्सिस, इनर्सी ऑफ जेड एक्सिस इक्वल टू इनर्सी ऑफ एक्स एक्सिस प्लस इनर्सी ऑफ वाई एक्सिस, ये हमको इसमें प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम जिस दो एक्सिस को इंक्लूड करेंगे तो उन दो एक्सिस का जो हमारा रिजल्टेंट होगा वह तीसरे एक्सिस पर जाएगा। तो इसमें यही प्रूफ किया जाता है। तो अब इसमें है परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में मान लो हमने एक रोटेटिंग बॉडी लिया, फिगर ड्रा किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स जेड एंड वाई। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमने टर्न, अब ध्यान देना, अब यह एक पैरेललोग्राम मेथड में हमने इसका रिजल्टेंट दिखा दिया, यह क्या है आर आई के इक्वल है और यहाँ पे हो गया एक्स आई और यहाँ पे हो गया वाई आई। अब जेड एक्सिस पे तो हम दो सिस्टम पे लिए हैं, तो इसमें दिया कि अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ ए प्लेन लेमिना ऑफ ए टू डायमेंशन बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द लेमिना अबाउट एनी टू एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू थर्ड एक्सिस। यानी हम जिस एक्सिस पे हम इनर्सिया निकालेंगे उन दो एक्सिस का इनर्सिया का जो सम होगा वह तीसरे एक्सिस की इनर्सिया के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे दिया कि सपोज द लेमिना इज द एक्स वाई प्लेन, यानी हम रोटेशन जो है किस पे ले रहे हैं, एक्स वाई पे ले रहे हैं। तो अब आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द लेमिना एक्स एक्सिस हो गया, आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द लेमिना वाई एक्सिस हो गया, आई जेड क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ लेमिना जेड एक्सिस हो गया। तो ऐसे केस में हमें प्रूव करना है कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई का मतलब क्या हो गया, इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ द एक्स एक्सिस प्लस इनर्सिया ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू इनर्सिया ऑफ जेड एक्सिस। तो अब इसमें प्रूफ में दिया हुआ है क्या कि मान लो कि सिस्टम पे जो हमारा पार्टिकल्स हैं, अब प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में हम लेते हैं मान लो कि एक्स एक्सिस पे हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्या है सपोज एन पार्टिकल आर टू बिलोंग एक्स एक्सिस कामा वाई एक्सिस, यानी एन पार्टिकल एक्सिस पे भी हैं और एन पार्टिकल वाई एक्सिस पे हैं। तो ऐसे केसेस में हम इनर्सिया ऑफ एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं, आई एक्स इक्वल टू एम वन स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर प्लस .. यानी एक्स एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा, इसी फॉर्म में होगा। तो आई एक्स, तो अब यहाँ पे ध्यान देना हमको कि जब हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस जो है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स पे नहीं होगा, किस पे, वाई पे होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एक्स इक्वल टू m1 y1 स्क्वायर m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर प्लस .. अब अगर हम y एक्सिस पे चलते हैं तो y एक्सिस पे, तो अब यहाँ
इनर्सिया ऑन वाई एक्सिस, तो जाएगा आई वाई इक्वल टू एम वन एक्स वन स्क्वायर एम टू एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे केस में, अब जेड एक्सिस पे, अब चूंकि इस फिगर में देखो, अब चूंकि यह एक पैरेललोग्राम बना हुआ है तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां देखते हैं रिजल्टेंट बिलोंग टू जेड एक्सिस तो ऐसे हो जाएगा आई जेड इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड कर देते हैं और पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अभी लिखते हैं एड आई एक्स एंड आई वाई, यानी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इनर्सिया उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो अब क्या लिख सकते हैं इसको आई एक्स प्लस आई जेड इक्वल टू एम वन प्लस एम वन तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू एन एन एम आई वाई आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई एक्स आई का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया था आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, ये रिजल्ट किसका है आई जेड के, यानी इसको हम लोग कन्वर्ट सकते हैं सिग्मा, यही तो रिजल्ट यहाँ पे तो एम आर का केस में आया था। तो अब चूंकि यहाँ पे जब एम आई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एम आई इन ब्रैकेट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, तो हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, और यही एम आई आर आई स्क्वायर जो किसके बराबर हो जाएगा आई जेड के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया जेड एक्सिस। तो इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थैंक यू स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिलोंगिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड रोटेशनल मोशन। थैंक यू।